बहुत जोरदार मुकाबला चलता हुआ दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों में से कोई भी जो है वो ड्रॉ लेने के लिए तैयार नहीं है, वो देख भी नहीं रहा है ड्रॉ की तरफ, अपना बेस्ट मूव निकाल रहे हैं और यही असली शतरंज है यहाँ पर। दोनों खिलाड़ी अपना बेस्ट मूव खेलने के लिए, देखने के लिए खेल रहे हैं और यही महत्वपूर्ण भी है कि आप शतरंज जब खेलें तो टॉप लेवल पर। यहाँ पर आप देखिए कोई एग्री ड्रॉ नहीं है, ये कोई आसान ड्रॉ नहीं है, यहाँ पर फाइट की जा रही है एक एक अंक को हासिल करने के लिए, आधे आधे अंक को हासिल करने के लिए। दोनों खिलाड़ियों को फोकस चाहिए पूरा, दोनों खिलाड़ियों को पूरी ताकत चाहिए आखिरी तक, और गुकेश भी पूरी मैच्योरिटी दिखाते हुए इस गेम में पूरी ताकत लगाए। ऑलरेडी 65 चालें हो चुकी हैं, 65 मूव्स ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर गुकेश के पास 1:36 बचा हुआ है, तो थोड़ा सा तो आपको दोनों दबाव में, दोनों दबाव में। भारतीय महिला टीम जीत चुकी है दोस्तों, 3-1 से जॉर्जिया को हरा दिया है, वो बड़ी खबर है। यहाँ पर गुकेश ने नाइट F3 खेला है, उन्होंने रुक H1 खेला है। गुकेश को क्या पॉन बढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि अब बेई का पॉन तो बढ़ेगा तो वो आपको F5 कर दिया गुकेश ने। इंटरेस्टिंग गेम होता हुआ दोस्तों यहाँ पर, अंत तक फाइट होती हुई और समय दोनों के पास 4:01 है, 67 चालें हो चुकी हैं। मुकाबले में दोनों खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, बढ़िया शतरंज हुई है आज। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम बोलते नहीं नहीं ये तो ड्रॉ हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। एक गलत चाल खेल यहाँ से वहां पलट सकता है। भाई यहाँ पर सोचते हुए अभी तक कोई चाल तो उनकी तरफ से आई नहीं है, उनके पास भी अब गुकेश के बराबर ही वक्त है। ये बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, अगर यहाँ पे वो पॉन बढ़ना शुरू कर दे H5, सर यहाँ पे ये हो चुका है H5 पे गुकेश के पास, गुकेश ने सेफ मूव खेला है नाइट C3। वुमेन टीम की लीड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ उन्होंने H4 भी बढ़ दिया, इस तरफ चलने की कोशिश करे H3। वो बोल रहा है कि ये दोनों को के छाओ में इसको निकाल देता हूँ, गलती होने का चांस है एक्चुअली आपकी बात से। अब मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्या बात है सर, अब आपने थोड़ा सा मेरे अंदर जोश भरने वाली बात बोली। क्या खेला है उसने? किंग D7 गया होगा मोस्टली। अब क्या नाइट E5 चेक भी आ रहा है? नाइट E5 शॉट रह जाएगा। किंग E8 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 भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, कहां जा रहे हो सर? इसमें भी विनिंग है वाइट का, विनिंग नहीं है। F6 तो चलिए H3 F7 सर, किंग F8 नाइट G5 नाइट G5 सर। ओह, यहाँ पर कैसे ड्रॉ होगा? यहाँ पे नाइट E5 चेक पे चाल जो चल रही है वो मुझे समझ ही नहीं आ रही। किंग C7 कौन खेलता है? किंग C7 ही खेलेगा। किंग C7 कौन खेलता है यहाँ पे? किंग पॉन से दूर कौन लेके जाएगा? वो किंग एक्चुअली, किंग अगर पॉन के पास है तो प्रॉब्लम है, बिकॉज चेक आ रहे हैं और नाइट डेंजरस हो रहे हैं, तो किंग को पॉन से दूर ले जाना ऐसा कौन सोचता है? मुझे तो चांस लग रहा है सर अभी। नाइट E5 चेक आता हुआ ऊपर की तरफ, और अब बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है वे ई का, कि वो अपने राजा को कहां पे रखते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक मिनट है उनके पास। सही चाल किंग C7 है और गलत चाल क्या है, और उन्होंने किंग शायद D7 खेल दिया है। D8 तो D8 पे भी विनिंग है F6, क्योंकि नहीं किंग D8 पे नहीं है, क्या नहीं है D8 पे नहीं है, ओके E8 पे विनिंग था। हाँ F6 पे H3 तो F7 चेक में नहीं आ रहा ना, बस वही एक पर। हाँ F6 आ गया है, पर अभी भी मतलब कुछ गलत गलत चेक वेक आ जाए कुछ। H3 आप बोल रहे हो, S3 पे गड़बड़ है शायद। अच्छा पहले रुक F1 खेलते हैं। लेट्स सी दोस्तों, कम ऑन, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। भारतीय शतरंज टीम में गुकेश पहले चेक के दे दो, एक दो रुक D1 चेक, रुक D1 चेक ही सही है शायद, बट देखते हैं अभी सर, एक मिनट इंतजार करते हैं, देखते हैं ना क्या हो रहा है।
उसके पास भी टाइम कम है, क्योंकि एक गलत चाल गुकेश के लिए खेल बदल सकती है। ओ, उसने H3 बढ़ाया है, उसने H3 बढ़ाया है इस पोजीशन पर, H3 आता हुआ क्या F7 यहां पर गुकेश के लिए जीत लेकर के आ रहा है, और कोई चाल है भी नहीं। गुकेश का पॉन आगे बढ़ता हुआ F7 पर यहां पर, और क्या ये जीत है, क्या ये जीत है? पहले तो रुक F1 खेलना बहुत जरूरी है, फिर नाइट G5 आ रहा है, फिर आप H2 खेलते हैं अगर, तो क्या ये गेम में यहां पे नाइट G5 तो फोर्स ही लगता है, यहां पर रुक F1 तो फोर्स चलना पड़ेगा इनको, क्या खेल रहे हैं, रुक F1 ही लग रहा है, रुक F1 खेला है उन्होंने, रुक F1 बोर्ड पर आता हुआ, यस एंड नाउ नाइट G5 बोर्ड पर, अभी चाल नहीं चली है, 13 सेकंड, नाइट जी फाइव बोर्ड पर आता हुआ यहां पर, नाइट G5 बोर्ड पर आ गया है, गुकेश ने नाइट G5 खेल दिया है आउट ऑफ नोवेयर, क्या खेला, H2 खेला शायद उसने, H2, और ये घोड़ा दोस्तों आ जाएगा पीछे, और अभी ये आपका पॉन मर रहा है, यहां पे क्वीन बन रहा है, वो दूसरा नाइट आया, दूसरा नाइट कौन सा नाइट सर, G5 वाला, वो वाला आया क्या, अच्छा ये वाला, हाँ आ रहा है, क्या हुआ है बोर्ड, ये क्या किया इसने, ये भगवान क्या किया, अरे अभी रुक F5 फिर रुक F4 चेक, अरे बट ये क्यों मार लिया, अरे यार जीती है गेम, नहीं जीती है, अभी भी जीती है, बट ये क्यों मारा, नहीं यही सही है ना सर, नाइट H2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर, ये ठीक है ना सर, नाइट G4 के बाद सब बैलेंस है, और ये भी मर जाएगा थोड़ी देर में, वो गया रुक A1 के लिए गया है, वो छोड़ना पड़ेगा बहुत जल्दी, चाइना का डिसीजन डिंग को बिठाने का सही साबित नहीं हुआ, उन्होंने मारा है रुक इनटू A4, नहीं मारा नहीं, रुक के चेक दिया, अच्छा रुक से चेक दिया है, तो वो क्या वो किंग को F5 तक छोड़ के आएंगे, किंग D2 यहाँ पर आ चुका है, अगर यहाँ पर रुक A2 आता है चेक, तो किंग C3 और धीरे धीरे वो पॉन के पास चले जाएंगे, तो अगर आप रुक A4 मारते हो तो फिर नाइट H6 आ रहा है यहाँ पर, देखिए आइडिया क्या है, नाइट जा रहा है H6, पॉन को सपोर्ट देना है, और उसके बाद नाइट G6, और क्वीन नहीं बनने से कोई रोक सकता, और इस प्लान को वे ई यहाँ पर स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए इतिहास बनता हुआ, गुकेश इतिहास बनाते हुए क्या कमाल का मैच खेला है, रुक A4 मार दिया, इसके अलावा कोई चाल थी भी नहीं, रुक A4 उन्होंने मार दिया है यहां पर, और इसके अलावा कोई चाल थी भी नहीं, नाइट जाता हुआ H6 पर यहां पर, रुक A4 होता हुआ बोर्ड पर, और नाइट H6 भी बोर्ड पर होता हुआ यहां पर हुआ, और यहां पर वे ही के पास रिजाइन करने के अलावा कोई चाल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई चाल बाकी है यहां पर रिजाइन करने के अलावा, और गुकेश इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि ये मैच सिर्फ ड्रॉ नहीं हो रहा, हम तो ड्रॉ की बात कर रहे थे, चाइना को 2.5-1.5 से हम यहां पर मार रहे हैं, हरा रहे हैं, और क्या पता मेडल भी छीन रहे हैं। रुक A4, गुकेश ने एक ऐसी पोजीशन जो लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, वहां से कुछ निकाला है बाहर, और मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर यहां पर बता रहा है Mate in 16, भाई Mate in 16 बता रहा है, मेरा मतलब कुछ नहीं कर सकते आप, अब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है यहां पर। सर देखिए मेरी बात, सर मैंने बोला था एफ वाला पॉन सर कुछ हो सकता है क्या, आपसे पूछ रहा था ना मैं कि सर एफ वाले पॉन से कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या, बोला था ना सर कुछ उम्मीद तो है मेरे को एफ वाले पॉन, अब वो ए वाला पॉन बढ़ रहा है भाई, भाई उधर क्या होने वाला है, अब नाइट G6 चेक है, क्वीन बन रहा है, अब क्या फाइट होगा यहाँ पे, अच्छा उन्होंने रुक A3 दिया फिर से, सॉरी मुझे लगा पॉन बढ़ा है, सर अब तो किंग ऊपर निकल जाएगा ना, किंग D4 किंग C5 किंग F4 किंग G5 आ जाओ, हाँ ये भी ठीक है, मतलब जिस तरफ जाना उस डायरेक्शन में चलते हैं, अब गुकेश के पास यहाँ पर 1 मिनट है, और 1 मिनट बहुत है गुकेश के हिसाब से, ये मैच बहुत खास है, गुकेश
बहुत, इससे रेटिंग भी सर पता है गुके 27-80 पार हो जाएगा, और फर्स्ट बोर्ड पे 5.5। नहीं वो उसके दिमाग में नहीं है, वो तो हम अपन लोग आपस में बात करें, उसके दिमाग में तो ये सब कुछ है ही नहीं, क्या लेना देना रेटिंग से। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, और 5.5 हो जाएंगे। अब यहाँ तो कोई चाल है नहीं, किंग डी फोर ही खेलना है, वो बस ये देख रहा है किस तरफ जाना है, सिक्योर कर रहा है। किंग डी फोर खेल दिया गुकेश ने, गुकेश ने यहाँ पर किंग डी फोर खेल दिया है बोर्ड के ऊपर। वे ई के पास अब कुछ नहीं बचा, ये नाइट कमाल का बैठा हुआ है आप देखिए। अच्छा किंग डी फोर ये खेला है, नाइट कमाल का, और यहाँ पर वे ई ने रिजाइन कर दिया है, वे ई ने रिजाइन कर दिया है दोस्तों। भारत ने चाइना को 2.5-1.5 से हरा दिया है यहाँ पर, और गुकेश ने इनक्रेडिबल अपने खेल जीवन के सबसे बेहतरीन एक मुकाबलों में से एक मुकाबला खेला है। मैं आपको फुल स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो वे ई, और वहां पे डिस्कशन करते हो गुकेश से, और ऑर्बिटर ने बोला कि भाई पहले स्कोर शीट साइन कर दीजिए, और मैं आपको और भी एंगल से दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ, आप जहाँ पे सामने के एंगल से आप देख पा रहे हो, यहाँ पर गुकेश ने इतिहास रच दिया है दोस्तों। गुकेश ने यहाँ पर वे ई को पराजित करते हुए, और एक ऐसे मुकाबले में पराजित किया है जो लग ही नहीं रहा था कि भारत जो है, ऐसा लग रहा था कि जीत यहाँ पर जीत नहीं पाएगा भारत, लेकिन एक ऐसा मैच हुआ जिसमें भारत ने गुकेश के अद्भुत प्रदर्शन के चलते जो है वो जीत दर्ज की। एक बार मैं ना आपको थोड़ा सा रीकैप दिखाता हूँ, आप तस्वीर देख पा रहे, फिर से मैं दिखाता हूँ दोस्तों वो बात जो मैं बोल रहा था। तो ये पोजीशन था, और ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा गुकेश बेटर लग रहे थे, लग रहा था कि किंग यहाँ पे कहीं पे जाने वाला है। एंड देन यहाँ पर जो है रुक आता है नीचे की तरफ, और सडनली इस पोजीशन पे हमने देखा कि जैसे ही H4 बढ़ा गुकेश ने तो रुक H3 आया, और फिर जैसे ही नाइट पीछे आए तो F4 आ गया, तो लगा यार ये तो ड्रॉ हो गया, अब कॉर्नर का पॉन मिल गया। गुकेश ने यहाँ पे गुड मूव खेला, इन्होंने रुक H1 ये पॉन मारा, गुकेश का H वाला पॉन जाता है, और ये पोजीशन बिल्कुल सब लग रहा था कि ठीक है। गुकेश ने F5 चला, इन्होंने H5 बढ़ा, अब गुकेश नाइट C3 आते हैं और वो अपना प्लान लेके आते हैं, इन्होंने H4 बढ़ा, गुकेश ने ये चेक दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक था। वो जाते हैं किंग को D7, गुकेश एक और चेक देते हैं। यहां पर सही जो चाल थी वो चाल थी किंग C7, इसीलिए कि ताकि ये किंग पॉन के फॉर से, नाइट फॉक्स से जो है राजा जो है वो बचा हुआ रहे। लेकिन नेचुरल मूव है जो कोई सोचता नहीं कि कौन पॉन से दूर जाएगा, उन्होंने किंग को यहीं रखा, F6 आता है, और यहां पे एक ही सही चाल थी रुक D1 से हो यह रहा था कि किंग जो है वो आप अगर इस तरफ कहीं पे भी रखते हैं तो रुक E1 चेक आ रहा है, और आप अगर मान लीजिए कि पॉन के करीब जाते हैं तो ये H3 अब डेंजरस हो जाएगा H2 H1, बट यहां पर उन्होंने H3 बढ़ दिया पहले, और गुकेश का F7 बहुत डेंजरस हो गया। इसके बाद उन्होंने कोशिश की बचाव करने की, लेकिन यहां पर अब आप देख सकते थे कि ये पॉन भी मर रहा था तो H2 बढ़ना पड़ा, एंड देन नाइट F3 से गुकेश ने रास्ता बंद कर दिया, पॉन मर रहा था। अगर आप यहां पे क्वीन बनाएंगे तो ये पोजीशन वैसे भी लूजिंग है आफ्टर F8 क्वीन बनने के बाद, और नहीं बनाएंगे तो आपका पॉन मार लेंगे, तो गुकेश को वो पॉन मिल गया और गुकेश का पॉन बच गया, और ये लास्ट पोजीशन आई जहां पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो एक बेहतरीन जीत गुकेश की, इनक्रेडिबल जीत, और क्या ही आज का खेल हुआ है। सर क्या कहना चाहोगे आप, अब आप गुकेश के खेल पर क्या कहना चाहोगे, तैयार है लड़का वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए? सबसे बड़ी बात होगी गुकेश के मतलब खेल के संदर्भ में, ये वो गेम खेला इसने आज जो शायद मैग्नस खेल के भी प्राउड फील कर। मतलब वही मैं बोला, उसी शेप में जाते हुए, याद है अपन को पिछले बार जब अब्दुल सत्तारोव से गुकेश जीता हुआ मैच हार गया था, वो वहां से लेके वो सफर से लेके गुकेश का ये सफर, आज जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाला है, और आज उसने चाइना के खिलाफ वो डिलीवर किया है जिसकी मतलब किसी ने उम्मीद नहीं की थी पहले बोर्ड पर इस तरह की पोजिशन, खासतौर पर ओपनिंग जिस तरह से आई थी, तो कमाल की जीत है। और ये सिर्फ मतलब पोजीशन को छोड़ दीजिए, कैरेक्टर दिखाती है कि किस तरह का कैरेक्टर डेवलप हो चुका है गुकेश के अंदर। आपको ध्यान हो मतलब हम लोग एक दिन बात कर रहे थे कि गुकेश किससे सिमिलर है, तो मैंने मेरा एक ही बात कही थी, मैंने कहा फिशर और मैग्नस दोनों का एक कॉम्बिनेशन अगर हम जोड़ लें तो, आपने फिशर से तुलना की थी डेफिनेटली, यस मुझे याद है वो प्रिसीजन वाइज, तो मतलब आज का गेम अमेजिंग था,
छोटी छोटी चीजों को कुरेदता जा रहा है कुरेदता जा रहा है। मैग्नस के स्टाइल में खेला और मैं बहुत ही श्योर हूँ कि मतलब मैग्नस वुड हैव बीन प्राउड टू प्ले सच अ गेम। ये आप बड़ी बात बोल रहे हो कि मैग्नस भी प्राउड फील करते इस मैच को देखने के बाद। वाओ, खेलने के बाद और आज गुकेश ने दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि तैयार हैं वो काफी हद तक। उनके खेल का स्तर आप देख सकते हो, लास्ट तक फाइट करना मैग्नस के जैसे, कहीं जहां कुछ नहीं हो रहा वहां से कुछ निकाल लेना, कमाल का खेल खेला आज। मतलब कुछ नहीं लग रहा था कहां से कुछ भी आएगा। शानदार जानदार, वाह।